सर हमने ट्रेन करा है, एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रेन के दौरान घबराइएगा मत, ठीक है? ट्रेन की करने में बिल्कुल मजा आती, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय गुप्ता आपको फिर से इस चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम बिल्कुल टॉपिक से हट करके बात करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक से हटने का कारण इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हमारे इस चैनल से अभी तक उन लोग जुड़ पाए हैं जो लोग इस बार SSC GD का फॉर्म भरे हुए हैं, और इस बार आने वाला जो अभी SSC GD का एग्ज़ाम होने वाला उसमें SSC GD का आप अभी एग्ज़ाम देंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ। बाकी बात अगर आप लोग और किस किस अभी हैं, कहाँ कहाँ से हैं और जो हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हो, कमेंट करके थोड़ा बताइएगा ताकि हमको पता चल सके और उन लोगों के लिए भी कुछ हम वीडियो बना सकें। तो आज जो है कुछ अलग हट करके मैं इसलिए बोले हुए हैं क्योंकि आज का जो वीडियो है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है। खैर इम्पोर्टेंट तो सब लोग के लिए जो भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, लेकिन हम अभी ज़्यादातर इसलिए ज़रूरत क्योंकि अभी मैक्सिमम उन लोगों की ये वीडियो ज़रूरत है जो लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको लग रहा है कि यार थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि मेरा पोस्टिंग कहाँ पर होने वाली है। लगभग देखिए 100% तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो चांस आपका कहाँ बनती है अभी तक जिस तरह से देखा जा रहा है उस हिसाब से हमने गेस किया है और हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किन लोग के लिए होने वाली है, तो उन लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लोग अभी फिलहाल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं कर रहे हैं CISF की, ठीक है? बाकी बात आप लोग को भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आप लोग भी तो आगे जा करके जॉब लेंगे और जॉब लेंगे फिर ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग बाद तो पोस्टिंग हो गई होगी। तो चलिए हम इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में देखने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अभी आप लोग का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग अभी सपोर्ट करें, जितना सपोर्ट करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग के लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो बना करके दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमारा जो है कि सर अभी हमने ट्रेनिंग कर रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग के दौरान घबराइएगा मत, ठीक है? ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फिर बहुत अच्छा मतलब लगेगा, बिल्कुल एंजॉय आएगा, जॉब ड्यूटी करने में बिल्कुल मज़ा आती है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कहीं पे भी आपको ड्यूटी मिले, एयरपोर्ट में हो चाहे प्लांट में हो, ड्यूटी आपका एंजॉय में मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है? तभी ट्रेनिंग में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, तो ट्रेनिंग जो जो हमारे दोस्त जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोग को भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन लोग अभी पेशेंस रखिएगा और जो आपका ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कीजिए, ट्रेनिंग के बाद आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, यार एकदम मस्ती से जीवन गुजरेगा, ठीक है? 8 घंटा ड्यूटी कीजिए, 8 घंटे के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। देखिए तो पिछली बार में देखा गया दोस्तों, या फिर और पहले देखा गया कि यार कहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है। देखिए दोस्तों ये आप लोगों को पता है कि CISF की ड्यूटी कहाँ कहाँ पर होती है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है इंडस्ट्रीज़ हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गया या फिर कोई इतिहास मतलब कोई NTPC हो गया, इस तरह का आप लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ पे होती है CISF की ड्यूटी। अगर CISF अगर चूज किया तो आपको पता चल ही गया होगा। तो हम आपको बताने वाले कि आपका पोस्टिंग कहाँ पर होने की चांस है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि CISF का जो सबसे ज़्यादा जो है वो तो आपको पता होगा कि CISF का जो सबसे ज़्यादा पोस्टिंग होती है आपका एयरपोर्ट में होती है। तो एयरपोर्ट में किस बेसिस पे होती है, ठीक है, और किसका किसका चांस एयरपोर्ट पे होने वाला है। देखिए पिछला बार क्या हुआ है कि लगभग अगर आपका एज डेट ऑफ बर्थ अगर देखा जाए, अगर आपका एज जो है वो मान लीजिएगा कि आपका एज अगर 23 या 24 ईयर्स अगर हो चुका है अभी, जब 24 से प्लस हो चुका है, तो आपका मैक्सिमम जो चांस होने वाला है कि आपको एयरपोर्ट ही मिलने वाला है, ठीक है? क्योंकि पिछले अभी देखा गया पिछले बार में कि जितना भी 23 या 24 प्लस वाला था उसको सबको एयरपोर्ट दे दिया गया, बाकी बात जो है वो आपको कहीं कहीं कोई ऐसा प्लांट में दे दिया जाएगा या फिर TD वगैरह टेम्पररी ड्यूटी के लिए रख लिया जाता है, ठीक है? इस तरह से आपको रख दिया जाएगा और 24 वाला को जो है वो आपको लगभग एयरपोर्ट में। तो जो दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपका 24 ईयर्स अगर हो गया तो आपका मैक्सिमम चांस है कि भी एयरपोर्ट में ही मिलने वाला है, और एयरपोर्ट का ड्यूटी वाकई अच्छा होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आपका है, बिंदास AC में रह करके आपको ड्यूटी करना है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका अभी एज कितना हो रहा है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अभी जो फॉर्म भरे हुए हैं उन लोग का भी अभी लगभग आपका कितना एज हो गया उस हिसाब से अपना आप में सोच लीजिए। बाकी बात जो अंडर 23 या 24 है उन लोग के लिए आपको ये देखिएगा कि प्लांट भी मिल सकता है,
या तो फिर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग भी मिल सकता है, तो उन लोग के लिए कोई वैसा फिक्स नहीं, लेकिन आपको एयरपोर्ट में अगर है तो लगभग 23-24 प्लस वाला कोई एयरपोर्ट लगभग दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपको छोटा छोटा टॉपिक के वीडियो के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, इसलिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, जय हिंद।